नमस्कार, मैं उदयशंकर, न्यूज बायोस्कोप में आप सबों का स्वागत है। केंद्र की मोदी सरकार ने देश के किसानों को एक बड़ा तोहफा दिया है, बड़ी खुशखबरी दी है। 17 फसलों की न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी कीमत बढ़ा दी गई है, जो किसानों के लिए एक बड़ी खुशी का सबब माना जा रहा है। हम आपको बता दें कि केंद्रीय मंत्रिमंडल की आज हुई बैठक में खरीफ फसलों की MSP यानी फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य में एक बार फिर वृद्धि हुई है और ये बढ़ोतरी 2023-24 को देखते हुए की गई है। यानी अब जो फसलें किसान तैयार करेंगे तो उन्हें इसकी बेहतर कीमत मिल पाएगी। मोदी सरकार ने जिस तरह से मंत्रिमंडलीय समिति की बैठक हुई थी और इसे मंजूरी दी गई है, सरकार ने मूंग दाल का समर्थन मूल्य सबसे ज्यादा 10% बढ़ा दिया है। धान, जिसकी सबसे ज्यादा खेती होती है और खासकर बिहार, झारखंड और कई राज्य हैं जहां धान की खेती के लिए वो जाने जाते हैं, वहां धान का सपोर्ट प्राइस 143 रुपए बढ़ाकर 2183 रुपए प्रति क्विंटल कर दिया गया है। वही केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने बताया है कि इस कदम का मकसद किसानों को धान की खेती के लिए प्रोत्साहित करना और उनकी आमदनी बढ़ाना है। इसी तरह 2040 रुपए से 2183 रुपए प्रति क्विंटल धान की कीमत कर दी गई है। एक ग्रेड के धान का MSP 163 रुपए बढ़ाकर 2203 रुपए प्रति क्विंटल किया गया है। मूंग के MSP अब 8585 की जगह अब मूंग की MSP अब 8585 रुपए प्रति क्विंटल हो गई है, जो कि पिछले साल 7755 रुपए प्रति क्विंटल था। ज्वार की MSP 210 रुपए, बाजरा की 150 रुपए, रागी यानी मड़ुआ का 268 रुपए, मक्का का 128 रुपए, अरहर का 400 रुपए, मूंग का 803 रुपए और उड़द 350 रुपए। मूंगफली की कीमतों में 527 रुपए, सूरजमुखी का बीज 360 रुपए, सोयाबीन पीला 300 रुपए और सनफ्लावर सीड की MSP 360 रुपए प्रति क्विंटल बढ़ा दी गई है। अब हम आपको ये भी बता दें कि किसान इस फैसले से काफी खुश हैं, क्योंकि वो लंबे अरसे से इंतजार कर रहे थे कि MSP बढ़ाई जाएगी। और सबसे बड़ा तोहफा तुअर दाल के न्यूनतम समर्थन मूल्य को लेकर, जिसे 400 रुपए बढ़ाकर 7000 रुपए प्रति क्विंटल कर दिया गया है। आपको बता दें कि 2014-15 में अरहर के लिए MSP की दरें 4350 रुपए प्रति क्विंटल थी। इसी तरह मूंग दाल का MSP इस दौरान 4600 से बढ़कर 8588 रुपए प्रति क्विंटल कर दिया गया है। उड़द की MSP जो 2014-15 में 4350 रुपए थी, वो अब बढ़कर 6950 रुपए प्रति क्विंटल कर दी गई है। और अगर 2014-15 की कीमतों से तुलना की जाए तो 2014-15 में 1360 रुपए से 1530 रुपए प्रति क्विंटल धान की कीमत थी, जो अभी बढ़ाकर 2183 रुपए कर दी गई है। जाहिर सी बात है, इन तमाम फसलों का किसानों को फायदा मिलेगा। और साथ ही मौसम विभाग की ओर से ये भी बताया गया है कि अल नीनो का असर होने के बावजूद जून से सितंबर के बीच मौसम सामान्य रहेगा। हालांकि मानसून 1 जून को आने की बात कही गई थी, लेकिन मानसून अभी तक नहीं पहुंच पाया है, तो मानसून का किसानों को बेसब्री से इंतजार है। लेकिन इतना जरूर है कि चुनावी वर्ष से पहले मोदी सरकार ने किसानों को एक बड़ा तोहफा दिया है और न्यूनतम समर्थन मूल्य की कीमतें बढ़ाकर ये संदेश देने की कोशिश की गई है कि केंद्र सरकार किसानों की समस्याओं को लेकर चिंतित है और उन्हें प्रोत्साहित करना चाहती है, उन्हें ज्यादा से ज्यादा मुनाफा देना चाहती है। फिलहाल हमारे साथ इतना ही, हमें दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए न्यूज बाइस को। नमस्कार। वेलकम टू चाचा मामा दंगल। हास्य अदाकार संजय मिश्रा से गुजारिश है कि वह अखाड़े में कूदे और फुल उसको ट्रॉफी से नवाजे। लगता है समाधि ले ली। अरे बुला रहे हैं। अरे बोल रहे हैं कि टॉप टेक सीमेंट, जो जोड़े तो छोड़े नहीं, मजबूती ही हमारी पहचान।